ओम साई राम सबको। आज पूजा का तीसरा दिन है और आज पूजा सुबह जल्दी शुरू होने वाली थी क्योंकि 6 बजे से लेके 12 बजे तक की पूजा होगी, उसके बाद में भंडारा भी है। तो वही इसीलिए आज जल्दी 4 बजे उठे थे हम लोग और अभी नहा धो के करेक्ट 6 बजे हम लोग पूजा के लिए निकल गए क्योंकि पंडित जी ने 6 बजे ही बुलाया था। तो देखिए, और ये बाबा की स्थापना हो रही है, स्थापित हो रहे साईं बाबा की मूर्ति, क्योंकि सुबह का थोड़ा सा ले नहीं पाए हम लोग, जहाँ से साईं बाबा को गेहूँ से निकाला और मंदिर में स्थापित किया वहाँ तक का थोड़ा सा मिस हो गया है। कोई बात नहीं, आगे का देखिए। ये देखिए बाबा विराजित हो चुके हैं और ये सब चिपकाया जाएगा अभी, नंदी जी का सब जी गणपति सब कुछ, ये देखिए, क्योंकि अभी इसकी पूजा होगी ये लगने के बाद में। ये देखिए गणपति भी आ गए यहाँ पे, अभी गणपति को भी यहाँ पे चिपकाएंगे लोग और हम लोगों की पूजा चली रही है। हम लोग नीचे बैठे, ये आपको ऑरेंज ड्रेस में जो दिख रहे हैं ये ब्रह्मचारी पंडित जी है जो साईं बाबा की पहली जो पूजा करेंगे यही करेंगे, मतलब कलश की, साईं बाबा की, गणपति जी की, सब कलश से लेके हर चीज़ की यही करेंगे। अभी कलश की करने के बाद में ये जो बाहर का द्वार है द्वार की पूजा कर रही है। देखिए इन्हीं के हाथ से ही पूजा होगी आज, आरती भी यही बाबा जी करेंगे, पहली आरती तो ब्रह्मचारी पंडित जी से ही करवाया जाता है ऐसे बोला जाता है। तो इन्होंने गणपति जी की भी करवा दी और ये मंदिर की सीढ़ी की, अभी ये अंदर जा रहे हैं। देखिए नंदी आणि कच्छ नारायण की भूमि, ये हमारा हवन चल रहा है, नीचे ऊपर पंडित जी अपना पूजा कर रहे हैं, बाकी पंडित जी नीचे ही हमारे पास जो मंत्र पढ़ रहे हैं और हम लोग पूजा कर रहे हैं। आज तीसरे दिन की पूजा है ना, तो आज खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए ये कलश सब ऊपर लेके जा रहे हैं, मंदिर के ऊपर जो कलश लगता है वो ये सब लगवा रहे हैं अभी। ये देखिए हाँ स्थापित हो चुके हैं। और पंडित जी ने बहुत सुंदर सा भजन गाया है, उस पर हमने थोड़ा सा डांस किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये 12 बजे की आरती शुरू हो रही है। काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। ये 12 बजे की आरती है, अभी पूजा ख़त्म है, आरती लास्ट आरती है आज की। और हमने जैसे पूजा ख़त्म हो गई उसके बाद में गांव के लोगों ने सभी ने होम के अंदर नारियल डाले। होम के अंदर नारियल डालना शुभ माना जाता है, इसलिए गांव के सब औरतें अपना अपना नारियल घर से लेके आई थी। बहुत सारी भीड़ हो गई थी क्योंकि पूरे गांव वालों को बुलाया था, आप अगल बगल के गाँव वाले सब लोग आए थे। और देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं, आज से व्रत ख़त्म हमारा। तो आज ये लास्ट ब्लॉग था मेरा तीसरा दिन का, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को पसंद आएगा तो शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओम साई राम सबको मेरे तरफ से।